स्टेज फोर लंग कैंसर एक ऐसा डायग्नोसिस है जो अच्छे अच्छों का दिल दहलाते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि स्टेज फोर कैंसर एक ऐसी स्टेट है जिसमें सर्वाइवल केवल कुछ महीने होता है। पर दोस्तों, आज हम आपको मिलवाएंगे एक कैंसर सर्वाइवर से जिनको 2016 में स्टेज फोर लंग कैंसर का डायग्नोसिस मिला था और आज 2022 में अभी भी वो हैप्पी एंड हेल्दी है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में देखते रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, एमबीबीएस एमडी एंड डीएम फ्रॉम एम्स दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ओंकोलॉजिस्ट हूँ। दोस्तों, कैंसर का इलाज एक प्रिमिटिव चीज जैसे कीमोथेरेपी से एडवांस चीज जैसे इम्यूनोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी की तरफ बढ़ चुका है और कंटिन्यूअसली पेशेंट्स का सर्वाइवल आउटकम इम्प्रूव हो रहा है और क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योर रेट, साइड इफेक्ट, हर एस्पेक्ट में ये चीजें लगातार इम्प्रूव होती जा रही है। हमारे चैनल पे लास्ट कॉल में ओवरवेलमिंग मेजोरिटी पेशेंट्स ने चाहा कि हम अपने कैंसर सर्वाइवर पेशेंट को चैनल पे लाए और उनका इंटरव्यू लिया। तो हमने हमारे ओल्ड कैंसर सर्वाइवर जिनको 2016 से स्टेज फोर लंग कैंसर की बीमारी है, आज उनका इंटरव्यू लिया है और आपको हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, लेट्स गेट राइट इनटू दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। थैंक यू। तो नमस्कार दोस्तों, आज की मीटिंग में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ है मिस्टर दीपक पवार जी। दीपक जी हमारे बहुत पुराने पेशेंट है, पुराने लंग कैंसर सर्वाइवर है और काफी साल से 2016 से हमसे जुड़े हुए हैं। तो वेलकम। और दीपक जी बैंगलोर में रहने वाले हैं और 65 इयर्स ऑफ एज है और हमें आज वो अपनी स्टोरी बताएंगे। तो दीपक जी, 2016 में आपकी बीमारी आपको कैसे पता चली, क्या हुआ था उसमें? डॉक्टर साहब, ऐसा था कि एक दिन मुझे बहुत पेट में दर्द हो रहा था तो मैंने इमीडिएटली हॉस्पिटल गया था और एक डॉक्टर से सलाह लिया और उन्होंने बताया कि आफ्टर आई एम टेकिंग एक्सरे आई बी एबल टू ट्रीट यू। तो उन्होंने एक्सरे निकाला और उनको कुछ शक था एक्सरे देख के, तो उन्होंने मुझे पल्मोनोलॉजिस्ट को वहाँ मुझे भेज दिया और बोले कि यू टेक अ सेकेंड ओपिनियन। तो पल्मोनोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि सीटी स्कैन करवाना है टू बी श्योर कि क्या है, कि व्हाट इज दिस, ठीक है, आपके लंग्स में। तो जब ही सीटी स्कैन करवाए और वहां से नीडल बायोप्सी से सैंपल लिए और भेजे और उधर से रिपोर्ट आया कि पॉजिटिव थर्ड फोर्थ स्टेज लंग कैंसर स्प्रेड हुआ है। तो फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली लंग कैंसर की जर्नी आज भी काफी कॉमनली ऐसी होती है क्योंकि सिम्टम जब तक होते हैं कॉमनली बीमारी एडवांस स्टेज पे होती है। तो अनफॉर्चुनेटली सर के केस में ये देखा गया कि डिजीज उस टाइम पे जब पकड़ा गया तभी से एक स्प्रेड डिजीज था। तो दिस इज क्वाइट कॉमन एक्चुअली। तो दीपक जी, एक बार आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया, डॉक्टर ने बोला कि फैला हुआ कैंसर है, तो उसके बाद उन्होंने आपको क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया, क्या बताया ट्रीटमेंट? पहले तो हम लोग शॉक हो गए कि कैसा हो गया कैंसर। और कुछ काफी लोग बोलते हैं कि सर्वाइवल चांसेस बहुत कम हैं, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा। तो मैं डॉक्टर से पूछा कि अभी क्या कर सकते हैं, तो डॉक्टर ने बोला कि दो ऑप्शंस हैं, एक कीमो और उसके बाद टैबलेट्स। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली कीमो से स्टार्ट किए थे, मेरा 3 साइकिल कीमो हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने जो भी टेस्ट किए थे, जैसा रेगुलर टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट ये वगैरह सभी, उसमें वो मालूम पड़ा कि थोड़ा बहुत रिकवरी हो रहा है। और कीमो में सब लोग बोल रहे थे कि आपका बाल निकल जाता है, आप काले हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मुझे थोड़ा सा थकान हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा ही टिपिकल एक्सपीरियंस है जो दीपक जी का हुआ। बहुत लोग मानते हैं कि कीमो बहुत ही हार्ड और इनटॉलरेबल ट्रीटमेंट है, बट मॉडर्न कीमो एक्चुअली यूजुअली काफी माइल्ड होता है। खासकर लंग कैंसर में बहुत कॉमन है कि कोई हेयर लॉस ना हो, कोई मेजर सिम्टम ना हो, थोड़ा वीकनेस या थकान नहीं हो, और सिमिलर एक्सपीरियंस दीपक जी का रहा। और रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस, उस समय एक्चुअली जो नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो इंडिया में बस आने शुरू हुए थे। तो दीपक जी का ट्यूमर का टिश्यू उस समय उन्होंने जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजा था, पर उस टाइम उस ट्रीटमेंट का रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगता था, 1 महीना 1.5 महीना लगता था। आजकल यही रिजल्ट मॉडर्न टाइम में ज्यादातर मेट्रोज में 7 से 10 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। और जिन लोगों के एक्चुअली ये टेस्ट पॉजिटिव आती है उन्हें यूजुअली कीमोथेरेपी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
दीपक जी, 3 साइकिल कीमोथेरेपी के बाद आपका सीटी स्कैन हमने भी देखा था उस टाइम पे, और काफी ट्यूमर में इम्प्रूवमेंट था, काफी डिजीज कंट्रोल था, पर लकीली उसी टाइम आपका जो जेनेटिक टेस्ट बाहर गया था वो टेस्ट आपका पॉजिटिव आ गया था, तो उस टाइम पे आपका मुझसे संपर्क हुआ था और हमने आपका केस उस टाइम डिस्कस किया था। हाँ, तो हमारी जो फर्स्ट कन्वर्सेशन हुई थी कि आपको याद है हमने उस टाइम क्या डिस्कस किया था? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने ये बताया कि अभी कीमो लेने का जरूरत नहीं है, आप टैबलेट पर ही आपको ट्रीटमेंट कर सकते हैं जी। तो वहां जब ये हमने चालू किए थे आपसे भी बात हुआ था और मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा आपसे मिलके, और मुझे ये उम्मीद था कि भाई आप इतना एंगेज में आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा। और मैं महसूस किया कि आपके जो दवाई देने के बाद मुझे काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा था और मुझे वो थकान ये कुछ बिल्कुल नहीं था, और लोग जब भी मुझे देख रहे थे कि बोलते भाई योर कैंसर पेशेंट, उम्मीद नहीं आ रहा था उनको। मैं बोला भाई भाई ट्रीटमेंट ले रहा हूं और अच्छी तरह से मेरा रिकवरी हो रहा है। तो आपको जो हमने टैबलेट प्रिस्क्राइब की थी उसके बारे में ऑडियंस को कुछ बताना चाहिए? हाँ जरूर, आपने जो प्रिस्क्राइब किया था क्रिजाल 250 mg, तो वो मैं सुबह एक ले रहा था और रात को खाने के बाद एक ले रहा था, और मुझे काफी हेल्थी महसूस हो रही थी मुझे, और मेरा जो डेली वर्क है वो अपना काम मैं खुद कर लेता था, बिजनेस चल रहा था, और मुझे कोई भी ये थकान या कोई भी साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं था मेरे में। तो फ्रेंड्स, दीपक जी की एक्चुअली जो हमने जीन टेस्टिंग करी थी उसमें एक स्पेशल डीएनए चेंज आया जिसको एल्क म्यूटेशन बोलते हैं। तो एल्क म्यूटेशन फ्रेंड्स 2-5% कैंसर पेशेंट में होता है, ऐसी बहुत सारी और म्यूटेशन है और हर म्यूटेशन का अपना ट्रीटमेंट है। तो उस टाइम एल्क म्यूटेशन के लिए हमारे देश में एक ही टैबलेट अवेलेबल थी जिसका नाम क्रिजाल्क था। आज के जमाने में 4 अलग अलग टैबलेट्स इसी म्यूटेशन के लिए हमारे कंट्री में अवेलेबल है, और ये एक सिंपल टैबलेट है जो दिन में 2 बार ली जाती है, और दीपक जी को हमने वही टैबलेट दी थी और इनका एक्सपीरियंस उस टैबलेट में बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट जब हमने इनका 3 महीने बाद फॉलोअप सीटी स्कैन कराया था तो वो बिल्कुल क्लियर था, उसमें कोई ट्यूमर का अंश नहीं था, और टैबलेट दीपक जी ने वो बहुत साल खाई। आपने किस साल तक वो टैबलेट खाई कंटिन्यूस? 2016 में आपका टैबलेट शुरू हुआ था। हाँ, और किस खत्म आपके स्टॉप कब हुई थी टैबलेट? 2020 तक मैंने लिया। ओके, उसके बाद आपने दूसरा सजेस्ट किए थे। तो 2020 में एक्चुअली हमने दीपक जी का, हम इनका हर 6 महीने स्कैन करते आ रहे थे और वो स्कैन ऑलमोस्ट नॉर्मली आ रहा था, बट 2020 में अनफॉर्चुनेटली हमने जो स्कैन किया उसमें देखा गया कि बीमारी दीपक जी की थोड़ी सी बढ़ रही थी, यानी कि जो क्रिजाल्क है उसका असर जितना अच्छा पहले था अब नहीं मेंटेन हो पा रहा था। तो हमने दीपक जी को सजेस्ट किया कि क्रिजाल्क को चेंज कर दिया जाए। तो जैसे मैंने बताया कि पहले सिर्फ इस म्यूटेशन में एक ही दवाई अवेलेबल थी, पर अब इंडिया में ऐसी 4 दवाइयां अवेलेबल थी, बट उसकी मेन इशू ये थी कि वो दवाई थोड़ी कॉस्टली थी। फॉर्चुनेटली उस टाइम एक क्लिनिकल ट्रायल इसी दवाई के लिए अवेलेबल थी और हमने दीपक जी को उस क्लिनिकल ट्रायल में एनरोल कराया और उस ट्रायल के बाद दीपक जी को कोई दवाई प्रोवाइड करी। तो दीपक जी, आप अपने ट्रायल से आपको जो फायदा हुआ उसके बारे में बात करें। हाँ जी, मैं जब भी ट्रायल ज्वाइन किया था मुझे मुफ्त में दवाई मिल रहे थे, ना मुझे डॉक्टर का फीस देना पड़ा, आने जाने का खर्चा भी मुझे दे रहे थे, और सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन सब मुफ्त था, और मैं मुझे रेगुलरली मेडिसिन दे रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। मार्केट में इस दवाई का कॉस्ट क्या था मुझे? मार्केट में इस दवाई का इतना एक्सपेंसिव है, 1.5 लाख रुपया करीब महीने का होता है। तो दीपक जी के लिए ये बहुत ही लक वाली और फॉर्चून वाली बात थी कि उस समय हमारे पास ये क्लिनिकल ट्रायल अवेलेबल थी जिसका ये फायदा उठा पाए। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस नई दवाई से? कोई आपको साइड इफेक्ट कोई परेशानी नोटिस किया? नहीं डॉक्टर साहब, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, मुझे वही जो हेल्थी फीलिंग नजर आती है वही सेम है, आज भी मैं अपना ये बिजनेस कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। आपके ब्लड टेस्ट में थोड़ी सी आई थिंक गड़बड़ी आई है इस टैबलेट को। हाँ, वो बता रहे थे आप, थोड़ा वो साइड इफेक्ट्स है इसके अंदर, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या थोड़ा शुगर बढ़ता है, उसके लिए भी आप अल्टरनेट मेडिसिन दे रहे थे। तो इस बात को दीपक जी, अभी 1 साल हो चुका है और 1 साल से आपको
मेडिसिन हमारी क्लिनिकल ट्रायल के अंडर कंटिन्यूसली ले रहे हो, तो ओवरऑल आप अपने एक्सपीरियंस से हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, आपको लगता है कि मेडिसिन अच्छी है? बहुत हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, दवाई भी बहुत, इट्स अ वेरी गुड मेडिसिन, और बहुत हेल्थी फील कर रहा हूँ, और ये खुशी की बात है आप बता रहे थे कि आई एम टोटली क्लियर ऑफ दिस कैंसर। तो दीपक जी आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही मोटिवेशनल है। 5 years का लॉन्ग सर्वाइवल विदाउट एनी मेजर साइड इफेक्ट जस्ट बाय टेकिंग 2 टैबलेट्स एंड एक हेल्दी और नॉर्मल लाइफ जो अभी भी ऑनगोइंग है, ये ऐसी अचीवमेंट है जो हर कैंसर पेशेंट पाना चाहता है। और अच्छी बात यह कि अच्छी नाम पाई भी जा सकती है। तो बिफोर वी सेंड ऑफ, क्या आप हमारे फेलो कैंसर पेशेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? विश टू कन्वे अ मैसेज टू माय फेलो पेशेंट्स, नथिंग टू वरी, देयर आर लॉट ऑफ न्यू इनोवेशंस एंड मेडिसिंस इन द मार्केट व्हिच इज क्यूरेबल इवन फोर्थ स्टेज कैंसर। सो हाउ आई हैव गॉन थ्रू, यू ऑल्सो विल गो थ्रू, एंड नथिंग टू वरी। In case you need any second opinion, you can go to Dr. Vineet. Okay, thank you. तो दोस्तों गौरतलब बात यह है जो दीपक जी ने बोला कि देखो जो सिचुएशन 10 साल पहले थी वो आज सिचुएशन नहीं है, जो सिचुएशन इनफैक्ट उनके टाइम में भी थी वो आज सिचुएशन नहीं है। इतनी सारी मेडिसिन, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज, इतनी सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है कि आज किसी स्टेज फोर कैंसर पेशेंट को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि इट इज अ डेथ सेंटेंस। बहुत लंबा सर्वाइवल, गुड क्योर, गुड ट्रीटमेंट विद मिनिमम साइड इफेक्ट इज अवेलेबल फॉर एवरी पेशेंट। एंड इट इज नॉट, जरूरी नहीं है कि ट्रीटमेंट महंगी हो, दे आर अवेलेबल एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट। दे आर ऑल्सो नीड टू गेट दिस ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि दीपक जी का भी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। इस तरह के ट्रीटमेंट हर पेशेंट एक्सेस कर सकता है, बस इंपॉर्टेंट है सही गाइडेंस और पेशेंट का विल। यदि पेशेंट का विल है, गाइडेंस सही है, तो हर कैंसर पेशेंट को एक अच्छा प्रोग्नोसिस मिल सकता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दीपक जी की स्टोरी में, जो ट्रीटमेंट 2016 में नहीं अवेलेबल था, जब उनको एक ट्रीटमेंट लगा कि अच्छा काम नहीं कर रहा, बाय दैट टाइम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी थी कि उससे बेटर ट्रीटमेंट ऑलरेडी अवेलेबल था। तो दोस्तों हर साल कैंसर की नई टेक्नोलॉजी, नई ट्रीटमेंट आ रही है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ट्रीटमेंट आज अवेलेबल है एक साल बाद भी वही ट्रीटमेंट अवेलेबल। कंटिन्यूअसली इनोवेशन जनरेट हो रही है, नई ट्रीटमेंट आ रही है, और आज के एरा में किसी कैंसर पेशेंट को डरने की जरूरत नहीं है। सो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा दीपक जी, आपने आके एनकरेजमेंट का मैसेज हमारे पेशेंट का शेयर किया, थैंक यू वेरी मच। तो है ना नई टेक्नोलॉजी का ये कमाल, जो बीमारी सिर्फ 10 साल पहले यूनिफॉर्मली फिटल बनी जाती थी, आजकल जो स्टोरी दीपक जी की है, इनफैक्ट ये मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स की स्टोरी है। मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स आज की एरा में जिनको लंग कैंसर होता है उनमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल या क्योर की पॉसिबिलिटी है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि देखो सही पेशेंट का सही इलाज होना चाहिए। यदि दीपक जी की जेनेटिक टेस्टिंग नहीं होती तो शायद उनको सिर्फ कीमोथेरेपी ही मिलती और शायद वो इतना लंबा सर्वाइवल, इतना अच्छा आउटकम नहीं पा पाते। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हर कैंसर पेशेंट का सही गाइडेंस, सही टेस्टिंग और हर टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल सही इलाज मिलना चाहिए। दोस्तों कैंसर एक चाबी की तरह है, एक ताले की तरह है, सही ट्रीटमेंट उस ताले की चाबी है। यदि सही ताले में सही चाबी घुसाई जाएगी तो सर्वाइवल जरूर अनलॉक होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर कैंसर पेशेंट को सही गाइडेंस मिले ताकि वो अपने ताले की चाबी भी पा सके। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सवाल है या डाउट है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से या वीडियो कमेंट से आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, और मैं खुद कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके सवाल का आंसर आपको मिल जाए। दोस्तों हमारे चैनल का मेन पर्पस ये है कि इंडिया के हर कैंसर पेशेंट को वो कैंसर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए जो उसको अमेरिका या यूरोप में मिले, यानी वर्ल्ड का बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट हमारे पेशेंट्स को उनकी भाषा में, उनकी लोकल प्लेस में, उनकी अवेलेबिलिटी से मिलना चाहिए। तो यदि इस गोल में आप हमारे साथ मिलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे अगले पॉल में जरूर वोट करें कि आप किस टाइप का वीडियो आगे देखना चाहते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।